welcome back to your online learning digital class Study Nest. I'm Deepak Sharma, your English teacher. Today we'll do a chapter of your English book, The Rat Trap. The Rat Trap chapter is about a peddler. Peddler is a vagabond. Vagabond होते हैं जो लोग एक जगह नहीं रुकते, इधर से उधर घूमते रहते हैं और उनका कोई ठिकाना नहीं होता. Crofter is the second character. Crofter, generally farmers in Scotland are called crofter. जो farmers होते हैं Scotland में, किसान, उनको crofter कहा जाता है. The iron master. Iron master is the owner of that iron mill, Ramsjo, and his wife Elizabeth is no more, and his two sons have settled abroad, and he is living with his daughter Elsa. तो iron man के wife Elizabeth के डेथ हो चुकी है, उनका उनके दो बेटे बाहर सेटल हो गए हैं और वो अपनी बेटी एल्सा के साथ रहते हैं, एडला के साथ, सॉरी. एडला जो है दो आयरन मास्टर, शी इज़ द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, शी इज़ अ काइंड एंड कंपैशनेट लेडी. द स्टोरी स्टार्ट्स विद द रैट, दिस अ वेगाबॉन्ड, द पेडलर. वेगाबॉन्ड आई टोल्ड यू द पर्सन हु डजंट स्टे एट अ प्लेस एंड कीप्स ऑन मूविंग. वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाता था और He used to sell rat traps. वो rat trap चूहेदानी बेचता था और it was very hard for him to get the material to make rat traps. So he used to beg for it and at times when the times were hard and even the business was not very profitable. और कई बार उसको भीख मांगनी पड़ती थी, business profitable भी नहीं था, तो वो थोड़ा थोड़ा थोड़ी बहुत चोरियाँ भी कर लेता था. His clothes were in rags, उसके कपड़े फटे पुराने थे, cheeks बिल्कुल sunken थे, अंदर घुसे हुए थे, and hunger gleamed in his eyes, उसकी आँखों में भूख दिखाई पड़ती थी. तो one day he was just moving and he considered the whole world as a rat trap and he thought that people get entrapped because of the bait which is inside the rat trap. एक दिन वो ऐसे जा रहा था, वो उसको लगता था, और one thing more, उसको लोगों ने अच्छी तरह treat भी नहीं किया था. He was not treated properly by the people, by the society as well. सोसाइटी में लोगों ने उसको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया था. ही वॉज ऑल अलोन, और तो जब वो अकेला था, उसको सोसाइटी में अच्छी तरह ट्रीटमेंट नहीं मिला था, वो सोचता था दुनिया एक पूरी एक रैट ट्रैप है, चूहेदानी है, जिसमें लोग अलग अलग तरीके से आके फंस जाते हैं लालच में. किसी को पैसे का लालच होता है, किसी को पावर का लालच होता है, किसी को अलग अलग तरीके से. वो ये सोचता हुआ चला जा रहा था. वन डार्क इवनिंग देयर इज अ पेडलर वाज ट्रैजिंग अलोंग द रोड. एक दिन वो शाम को अकेले रोड पे चला जा रहा था, तो वो एक ग्रे कॉटेज के पास पहुंचता है. वो उसको रात पे शेल्टर चाहिए होता है, एंड लाइक द ओनर वाज अ वेरी काइंड हार्टेड फेलो. ओनर जो था, जो उसका क्रॉफ्टर, जो आई टोल्ड यू क्रॉफ्टर फार्मर को भी कहते हैं स्कॉटलैंड में, और वो उसका ओनर था. वो लाइक ही यूज्ड टू लिव ऑल अलोन एंड बिकॉज ही हैड नो वाइफ एंड चिल्ड्रन. वो अकेला रहता था, उसके बीवी बच्चे तो थे नहीं, तो ही वॉज वेरी टॉकटिव. तो बहुत बातूनी था, उसको बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए था. तो ही नॉट ओनली लाइक अलाउड दैट पेडलर टू एंटर हिज कॉटेज, ही वेलकम्ड हिम. तो उसने केवल उसको अंदर ही नहीं बुलाया बल्कि उसको वेलकम किया, क्योंकि उसको लगा कि एक से भले दो ये बातें करेगा तो समय अच्छा गुजर जाएगा. एज आई टोल्ड यू वॉज वेरी टॉकटिव, बहुत बातूनी था. और उसने ये भी बातचीत में बताया कि वो पहले रामसजो आयरन मिल्स में काम करता था, लेकिन बूढ़ा होने के कारण अब वो वहाँ पे काम नहीं कर सकता, उसकी ताकत उतनी नहीं रह गई है. उसने ये भी बताया कि वो उसके पास एक गाय है जिसको वो जिसकी दूध से वो क्रीम निकाल के बेचता है, और उससे ही उसका जीवन चल रहा था. और एज आई टोल्ड ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन, बहुत सिंपल आदमी था वो. उसने धीरे से इसको ये भी बता दिया पेडलर को कि उसके पास जो 30 क्रोनूर है, क्रोनूर करेंसी होती है, तीन नोट हैं 30 क्रोनूर के, एक नोट 10 क्रोनूर का, और तीनों नोट उसने एक पाउच में लटका के विंडो के पास लटका रखे. सो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एज अ सिंपल एज, उसे कह सकते हैं बहुत ही सरल दिल का आदमी था. उसको नहीं मालूम था कि वो जिससे बात कर रहा है वो एक चोर भी है, और उसने अपने मन की बात धीरे से उसको बता दी. इस तरीके से उसने अपनी मन बता दी. अब उसके तो दिमाग में बत्ती जल गई पेडलर के, क्योंकि वो तो थोड़ी बहुत चोरियां करता ही रहता था अपना जीवन चलाने के लिए. तो वेगाबॉन्ड यर ही वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस. ही वॉज वेरी प्लीज, वो बहुत खुश हुआ कि उसने बड़ी स्मार्ट तरीके से अपना ये उसके मुंह से ये निकलवा लिया कि वो कैसे
उसने पैसे बचा के कहाँ रख रखे, तो बड़ा खुश हुआ। एंड दे स्पेंड द नाइट, इन द मॉर्निंग दे वेंट अवे फॉर दे वर्क, दैट क्रॉफ्टर वेंट टू मिल्क हिज काउ एंड द पेडलर वेंट अवे। तो दोनों सुबह हुई, दोनों अपने अपने काम पे चले गए, वो अपनी गाय का दूध निकालने चला गया और पेडलर चला गया अपने रास्ते पे। लेकिन पेडलर ही वॉज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट दैट मनी, वो लगातार उस पैसे के लिए सोच रहा था। ही केम बैक, ही स्मैश द विंडो पेन, उसने विंडो पेन तोड़ा एंड ही टुक आउट द 30 क्रोनूर विच वर कैप्ट देयर, वो लेके चला गया। एंड नाउ ही वॉज वेरी कन्फ्यूज वेयर टू गो, ही वॉज हैविंग 30 क्रोनूर इन हिज पॉकेट एंड वेयर टू गो। और अब वो कन्फ्यूज हो गया, जाए कहाँ पे, अगर वो हाईवे पकड़ते हैं तो उसको पुलिस पकड़ सकती है, खतरा था। तो उसने सोचा लो जंगल के रास्ते ही अंदर ही अंदर निकल लें और चोरी छिपे बाहर निकल जाए, किसी को शक भी नहीं होगा। यू नो नाउ द फॉरेस्ट, बिग ही लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट, वो रास्ता भटक गया फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट उसके लिए अनजान था और उसको हर रास्ता ऐसे लग रहा था बाहर की तरफ जा रहा था। तो वो पूरे जंगल में घूमता रहा, उसको लाइक ही कंसिडर्ड द फॉरेस्ट एज अ रैट ट्रैप। अब उसे लग रहा था रैट ट्रैप की तरह फॉरेस्ट होगा जिसमें वो खुद ही फंस गया। अब बेट क्या थी यहाँ पे, बेट थी वो 30 क्रोनूर जिसके लालच में फंस गया और यहीं पे भटक रहा था। तो ही थॉट दैट फाइनली इज गोइंग टू डाई हियर इन द फॉरेस्ट ओनली। अब उसको लग रहा था जैसे चूहे दानी में चूहा मर जाता है, उसके सामने बेट पड़ी रहती है लेकिन वो खाता नहीं, उसको आज़ादी चाहिए। अब उसके पास 30 क्रोनूर थे लेकिन इसको चाहिए था जंगल से बाहर का रास्ता, दैट वॉज लाइक नेक्स्ट इम्पॉसिबल फॉर एम। अब उसके लिए बाहर निकलना बाहर बिल्कुल इम्पॉसिबल था और वो बहुत ही वॉज एग्जॉस्टेड, बहुत थक गया था। ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड और वो ज़मीन पे गिर पड़ा और सडनली ही हर्ड थम्पिंग ऑफ समथिंग, थम्पिंग ऑफ अ हैमर, उस पर ज़मीन पे लोहा पीटने की आवाज़ आई। कभी कभी ज़मीन पे जो होती है वो उस पर कंपन होता है ज़मीन पे। तो ही हर्ड द थम्पिंग ऑफ द आयरन, तो ही वेंट देयर, वो वहाँ पे उसको ही न्यू दैट वेरी क्लोज टू देयर इज समवेयर दैट आयरन मिल इज देयर। सो ही वेंट देयर, वो वहाँ पे पहुँच गया था और like people were busy doing their work, the blacksmith was doing their work, वो भी वहाँ पर सारे लोहार blacksmith लोहार अपना काम कर रहे थे। तो they all ignored him, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो किनारे जाके अपना लेट गया। तो master blacksmith allowed him to spend his night there, जो master blacksmith main blacksmith था उसने कहा चलो अपनी तुम रात गुजार लो, उसका क्या जा रहा था। तो वो वहाँ पर चला गया। generally people get attracted toward these type of places where there is warmth, वहाँ पे जो कि सर्दी के रात में ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है, भट्टियों की गर्मी, तो लोग विजिटर आ जाते थे। तो उसके लिए कोई आम बात नई बात नहीं थी, आम बात थी। तो उसने कहा तुम जो अपनी रात यहाँ पे काट लो। और वेरी सून द आयरन मास्टर केम टू द फॉर्ज, रात में आयरन मास्टर जिसका वो आयरन मिल थी वो आया इंस्पेक्शन के लिए। दिस शो दैट ही वॉज हार्ड वर्किंग एट दैट लाइक पीरियड ऑफ द टाइम, एट नाइट ही वॉज कमिंग, इट वॉज वेरी कोल्ड, ही हैड कम टू दैट आयरन मिल टू इंस्पेक्ट हिज वर्क। अब उससे पता चलता है कि उसका काम जो वो था अपनी आयरन, हार्ड वर्किंग था आयरन मास्टर, वो अपनी आयरन मिल देखने आया था रात के समय भी। तो ही लुक्ड एट दिस मैन हु वॉज लाइंग देयर, दैट पेडलर, उसने देखा पेडलर की तरफ एंड ही रिमूव्ड हिज हैट, उसका उसने हैट था। तो ही मिस्टूक हिम एज हिज ओल्ड फ्रेंड हु वॉज हिज फ्रेंड इन हिज रेजिमेंट, अ कॉमरेड, he was Nils Olaf, so he took him as Nils Olaf, उसको लगा ये उसका पुराना दोस्त है, परिचित है और जो सेना में उसके साथ था। तो उसने उसको ही started asking him, he just requested him to accompany his to his home, उसने उससे कहा कि वो उसके मेरे घर तक चलो। but firstly he was happy, a bit happy, this peddler, peddler को पहले लगा कि ये उसने दोस्त समझ के मुझे गलती कर रहा, हो सकता मुझे कुछ पैसे दे दे। But in fact that person was asking him to accompany to his house, to his home, लेकिन जब वो कह रहा था कि मेरे घर चलो तो he was a bit afraid, he was not a bit afraid, he was very afraid that he had 30 kronur and that person could hand over him to the police when he discovered that he is not his friend. उसको लगा कि इसके घर चला गया, उसको पता चला कि मैं इसका दोस्त नहीं हूँ तो मुझे ये पुलिस को सौंप सकता, उसके पास चोरी की वो पैसे भी थे। उसने मना किया, ही tried to convince him, उसने लगातार बहुत कोशिश करी, but finally refused he, that iron master man thought that that iron master thought that this person is feeling embarrassed because of his situation and because of the clothes he is wearing. Then he said when he went back he sent his daughter Elsa. तो जब वो अपने घर पहुंचा तो अपनी डॉटर एल्सा को सारी बात था, इसी डॉटर एल्सा का नहीं, अगर आपका फ्रेंड है तो वो ऐसी कंडीशन में, इट्स नॉट गुड, तो आई विल फेच दैट मैन हियर,
मैं उसको लेके यहाँ पे आती हूँ। शी वेंट टू दैट पेडलर, शी रिक्वेस्टेड हिम मैनी अ टाइम्स, बहुत बार रिक्वेस्ट किया उसे चलने को, एंड फाइनली शी वॉज एबल टू कन्विंस हिम, और फाइनली वो कन्विंस हो गई, करा कर कर दिया उसको पेडलर को कि वो उसके साथ चले। इस तरह से पेडलर आयरन मास्टर के घर पहुँच गया। देन एंड द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस ईव थी, यानी कि 2 दिन बाद क्रिसमस पड़ने वाला था। और द आयरन मास्टर वॉज हैप्पी दैट ही स्पेंडिंग हिज टाइम विद हिज ओल्ड फ्रेंड। आयरन मास्टर को भी खुशी थी कि अपना समय अपने पुराने दोस्त के साथ गुजारने वाला। बट यर एडला वॉज बिट सस्पिशियस बिकॉज द गेस्टर्स एंड द ड्रेस, द वे ही वॉज ड्रेस्ड अप, इट डिडंट अपीयर दैट ही वॉज एन एजुकेटेड फेलो एट ऑल। तो एडला को थोड़ा सा शक हुआ कि जिस तरह से ये बातचीत कर रहा है इससे नहीं लग रहा है पढ़ा लिखा है, और जिस तरह कपड़े पहना, और जो आदमी सेना में रहा उसकी ऐसी कंडीशन एकदम से कैसे हो सकती है। तो आयरन मास्टर टोल्ड हिज डॉटर टू बी अ बिट पेशेंट, एंड उसने कहा कोई बात नहीं है, और उसको उसने कपड़े अपड़े दिए कि जाओ पहन के नहा धो के आओ। एंड व्हेन दैट मैन केम बैक, दैट पेडलर केम बैक आफ्टर हैविंग बाथ एंड आफ्टर चेंजिंग हिज क्लोथ, द आयरन मास्टर डिस्कवर्ड दैट ही वॉज नॉट हिज फ्रेंड। जब वो लौट के आया तो आयरन मास्टर को लगा ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं, ये तो कोई और आदमी है, और उसको लगा कि इसने मुझे धोखा दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उसने उसको धोखा नहीं दिया था, पेडलर ने कभी नहीं कहा था कि वो उसका फ्रेंड है, और वो तो आयरन मास्टर ने ही मिस्टोक हिम एज हिज फ्रेंड, अपने दोस्त समझ के उसको बुला लिया, तो उसने कभी नहीं कहा था वो उसका दोस्त है। इनफैक्ट ही सेंड हिज ही और रिफ्यूज टू गो विद हिम, एंड फाइनली द आयरन मास्टर सेंड हिज डॉटर टू फेच दैट पर्सन, और वो तो आयरन मास्टर को मना कर देता, आयरन मास्टर ने अपनी बात अपनी डॉटर भेजा हु फाइनली कन्विंस दैट पर्सन, जिसने फाइनली कन्विंस किया उसको उसके घर जाने के लिए। तो उसने कहीं पे वो नहीं किया था, और उसने तो कहा मैं तो आपसे प्लीट कर रहा था, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था आई नॉट कम टू योर हाउस, मैं तो आपके घर आने वाला ही नहीं था। और उसने कहा था इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ही सेड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई कैन अगेन वेयर माय रैग्स एंड गो अवे। तो उसने कहा मैं अपने पुराने कपड़े पहन के फिर यहाँ से फटे पुराने कपड़े पहन चले जाता हूँ, मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं है। सो द आयरन मास्टर सेड दैट द पेडलर हैड नॉट बीन वेरी ऑनेस्ट एंड सो ही विल हैंड ओवर हिम टू द शेरिफ। उसने कहा तुम ईमानदार नहीं हो, और यहाँ पर उसने अभी तक कोई बेईमानी नहीं करी है, इवन इनफैक्ट आयरन मास्टर के साथ तो कोई बेईमानी नहीं करी है। और उसने कहा उसको शेरिफ को पुलिस ऑफिशर्स को पकड़ा देगा। तो थोड़ा सा वो नाराज़ हो गया पेडलर, उसको लगा कि ये गलत है, मैंने तो उसके साथ कोई गलत किया ही नहीं। उसने ही सेड दैट द एंटायर वर्ल्ड इज अ सॉर्ट ऑफ अ रैट ट्रैप एंड अ डे आयरन मैन वुड ऑल्सो बी टेम्प्टेड टू टच द बेट एंड नेल बी एंड दैट वुड बी द सॉर्ट ऑफ अ डूम्स डे फॉर हिम। तो उसने आयरन मैन उसने मास्टर से कहा कि एक दिन पूरी दुनिया रैट ट्रैप है, एक दिन तुम भी किसी लालच में फंस के अपना सब कुछ तबाह कर लोगे। हियरिंग दिस आयरन मास्टर स्टार्टेड लाफिंग, आयरन मास्टर जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसको नहीं लगा था कि कभी ऐसा होगा, उसके पास क्या कमी थी वो क्यों फंस जाएगा। द आयरन मास्टर आस्क्ड द पेडलर टू लीव, उसने पेडलर से कहा वहाँ से जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं। बट एडला टोल्ड शी वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड शी वॉन्टेड हिम टू स्टे बैक। उसने कहा इसको इस समय निकालना ठीक नहीं है, और क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था इससे पेडलर से कि उसको क्रिसमस चीयर देगी, इट वुड बी रॉन्ग टू सेंड। उसने कहा क्रिसमस की खुशियां वो लोग साथ साथ मनाएंगे, और इस समय उनको वापस भेजना इस तरीके से ठीक नहीं, जैसे हम लोग भी त्यौहार पे किसी को अपने घर से इस तरह से भगा देना नहीं चाहते हैं, ये उचित नहीं होता है। फाइनली ही ऑल्सो अग्रेड, द आयरन मास्टर ऑल्सो अग्रेड, और यह द पेडलर वो सरप्राइज, उसको देख के बड़ा सरप्राइज हुआ कि आयरन मास्टर तो इस तरह का इंसान है, और इसकी बेटी कैसे इतनी काइंड हार्टेड है। और एडलर ने थोड़ा सा ये भी कहा कि जो पेडलर का बहुत बुरा समय रहा है, उसको किसी ने अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया। शायद कई बार होता है कि हमें कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो हमें सोसाइटी को वैसे ही देखने लगते हैं, हमारे साथ बुरा होता तो हमें लगता दुनिया के हर आदमी बुरे होते हैं, और शायद ऐसा ही कुछ उस पेडलर के साथ भी हुआ था। और सो आयरन मास्टर अलाउड दैट पर्सन टू स्टे देयर फॉर क्रिसमस, एंड नॉट ओनली टू स्टे दैट टू हैव अ साउंड स्लीप, उसने आयरन मास्टर ने कहा तुम यहाँ पे रहो, सो भी जाओ, खा भी लेना, और ये भी प्रॉमिस किया तुम इस क्रिसमस के अगले क्रिसमस भी आना यहाँ पे और आराम से रहना। तो दिस शोज दे वर वेरी जेनरस एंड काइंड हार्टेड पीपल, ये दर्शाता है कि वो लोग जेनरस और काइंड हार्टेड पीपल थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग अब ही हैड अ नाइस साउंड स्लीप, उसने अपनी लाइफ में ऐसा कभी
बिल्कुल बेफिक्री से सोया नहीं था, जिसको कोई डर नहीं था, उसकी आइडेंटिटी भी रिवील हो चुकी थी, पता चल गई थी, लेकिन कोई डर की बात नहीं थी ऐसी। अब वो आराम से सोया और खाने के लिए ही उठा, फिर वो सोता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू द चर्च फॉर क्रिसमस सर्विस। अगले दिन क्रिसमस सर्विस होती है, तो वो लोग आयरन मास्टर और उसकी डॉटर क्रिसमस सर्विस के लिए चले गए, लीविंग द पेडलर एट होम, पेडलर को घर छोड़ के चले गए। जब वो वापस आए तो एडला वॉज वेरी सैड, एडला बहुत उदास थी, बिकॉज शी वॉज इन्फॉर्म्ड वाइल शी वॉज कमिंग बैक दैट रैट ट्रैप पेडलर वॉज अ थीफ, ही हैड रॉब्ड अ पर्सन ओल्ड ही हैड रॉब्ड ओल्ड क्रॉफ्ट फॉर 30 क्रोनूर। तो उसको पता चला कि ये जो पेडलर है ये चोर है, रैट ट्रैप बनाने वाला, इसने बूढ़े क्रॉफ्टर से 30 क्रोनूर चोरी कर ली। उसे किसी ने बताया होगा रास्ते में। अब ये लोग सोच रहे थे कि ये पीछे से पेडलर अगर इनके घर से चला गया होगा तो इनके घर से भी कोई सामान चोरी करके ले गया होगा। When they got home, the iron master asked the valet, valet means उसका जो नौकर था, उससे पूछा if the peddler was still there, उससे पूछा क्या पेडलर अभी वहाँ पे है। द वैलेट इन्फॉर्म्ड हिम दैट द पेडलर हैड लेफ्ट बट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम। उसने कहा, वैलेट ने, नौकर ने कहा कि वो तो जा चुका है लेकिन वो कुछ ले के नहीं गया। इनफैक्ट ही हैड गिवन अ गिफ्ट फॉर एडला, इसने एडला के लिए गिफ्ट दिया हुआ, पैकेट दिया हुआ। व्हेन एडला ओपन द पैकेट शी फाउंड अ रैट ट्रैप, जब पेडलर ने पैकेट खोला तो उसके अंदर रैट ट्रैप था और रैट ट्रैप के अंदर रखे थे 3 क्रोनूर नोट, जो उसने उसके साथ उसने एक रिटन नोट भी लिख रखा था। रिटन नोट में ही थैंक एडला फॉर हर काइंड बिहेवियर, द मैनर शी ट्रीटेड हिम, और शी वॉज ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज ऑल्सो थैंकफुल द वे शी वॉज नाइस एंड गुड टू हिम। उसने थैंक किया कि इतना अच्छा बर्ताव किया, कितना अच्छी तरह से उसको रखा। और उसने कहा ही वॉन्टेड मनी टू बी रिटर्न टू द क्रॉफ्टर, उसने कहा ये पैसे दे रहा हूँ जो क्रॉफ्टर को वापस कर दीजिएगा। उसने फर्दर आगे उसने लिखा कि उसको कभी भी और दुनिया के ही ऑलवेज कंसिडर्ड द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप, उसने पूरी दुनिया को रैट ट्रैप समझा, कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि लोगों ने उसे निकलने दिया, उसके साथ गलत व्यवहार किया। सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड escape from the rat trap, और पहली बार वो rat trap से बाहर निकल आया है। और he had written that letter, he had signed the letter as captain, उसने कहा मैं captain की तरह ही आगे behave करूँगा, means मैं हमेशा अच्छा व्यक्ति बन के रहूँगा और कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। So that was the sort of a lesson he got। कभी कभी हम लोग किसी चीज़ को सोचते हैं उसका अंत बुराई से कर दें, लेकिन वो बुरा का बुरे के साथ आप बुराई करेंगे तो उस वो कभी नहीं बदल पाएगा। तो what is the theme? Theme is essential goodness present in everyone। हम सब में कहीं ना कहीं अच्छाई होती है और समय आने पे हम उस अच्छाई को निकालते हैं और उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। एंड काइंडनेस एंड कंपैशन कैन चेंज एनीवन। हम लोग जब किसी के साथ भला करते हैं और थोड़ी धैर्य से काम लेते हैं तो हम किसी को भी कंपैशन, यहाँ पे मतलब होता है कि जब आप किसी का दुख समझते हैं तब आप उसको दुख को दूर कर सकते हैं। ये दो थीम हो सकती हैं इस स्टोरी की। नाउ द कैरेक्टर, देयर आर 4 कैरेक्टर, कैरेक्टर्स का चाहो रैट ट्रैप सबसे इंपॉर्टेंट है रैट ट्रैप सेलर का। तो पहले तो पुअर वैगाबॉन्ड है, वो इधर वैगाबॉन्ड मतलब जैसे कि जिप्सीज होते हैं जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, जहाँ पे ठिकाना मिला, वॉन्डरर जिसको कह लें, खाने पीने मिला वहाँ रुक गया। सेकेंड बात है ही यूज टू बैग, वो भीख मांगता था और चोरी भी कर लेता था। और ही वॉज नेवर ट्रीटेड काइंडली बाय द पीपल, उसको लोगों ने कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। कैरेक्टर्स का अच्छा क्रॉफ्टर, ओल्ड क्रॉफ्टर का था, ही लिव्ड अलोन, वो अकेला रहता था, ही वॉज वेरी टॉकेटिव। सेकेंड बात थी ही वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ गेस्ट, उसके घर में गेस्ट था उसको बहुत खुशी। ही वॉज अ सिंपल मैन, सिंपल मैन था वो, चूंकि उसने अपनी जिस तरह से अपनी सारी बातें बता दी उससे पता चलता है ही वॉज अ सिंपल मैन। वर्क एट रामसजो आयरन मिल, वो रामसजो आयरन मिल में कभी काम करता था। कैरेक्टर्स स्केच ऑफ आयरन मास्टर, आयरन मास्टर जो एडला के फादर थे वो ही वॉज अ ओनर ऑफ दैट आयरन मिल, आयरन मिल के वो ओनर थे। वेरी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग थे, तभी रात के समय इंस्पेक्शन करने आए थे कि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। इम्पल्सिव थे, इम्पल्सिव मीन्स आवेगशील, मीन्स विद एक्टिंग विदाउट फोर थॉट, बिना सोचे समझे काम करने वाला। तभी उन्होंने तुरंत उसको अपना दोस्त समझ लिया और दोस्त को तुरंत अपने घर ले आए, दोस्त को थोड़ा टाइम देते वो वहाँ पे कि उसे समझने के लिए, पहचानने के लिए। तो ही वॉज वेरी इम्पल्सिव, यहाँ पर हम लोग लेंगे। और उसके बाद आता है करेक्टर स्केच ऑफ एडला, शी वॉज नॉट ब्यूटिफुल बट मॉडस्ट, वो बहुत खूबसूरत नहीं थी लेकिन मॉडस्ट थी, हम्बल थी, काइंड एंड कम्पैशनेट थी, काइंड थी कम्पैशनेट मतलब दूसरों का दुख दर्द समझने वाली थी। और सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ जजमेंट में उसकी ड्रेस को देख के, उसकी भाषा को देख के शी अंडरस्टूड दैट दैट पर्सन इज नॉट हर फादर्स फ्रेंड।
सो दैट वॉज द एक्सप्लेनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. विल कम बैक, मीट अगेन विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय.